नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक के बाद एक लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गुंधा इलाके में सोमवार को सुबह संदिग्ध आतंकियों ने सेना के शिविर पर हमला कर दिया, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सूत्रों के अनुसार यह गोलीबारी सुबह 4 बजे की गई। इस आतंकी हमले में एक जवान घायल है, जबकि मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। आतंकियों द्वारा हमला करने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि आतंकियों ने पहले एक गांव के बाहरी इलाके में एक ग्राम रक्षा समूह VDG के सदस्य और पूर्व सैनिक के घर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के कारण उन्हें इलाके से भागने पर मजबूर होना पड़ा और बाद में उन्होंने सेना की चौकी को निशाना बनाया। बता दें कि बीते एक महीने के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान आतंकवादियों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें 12 जवान शहीद हुए हैं और 9 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। हालिया हमला डोडा में हुआ था, जहां घने जंगलों में सेना के एक सर्च दल पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में एक अधिकारी सहित 4 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों पर हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए आतंकी संगठनों द्वारा रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स जैसे नामों के बाद अब कश्मीर टाइगर्स नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन सुरक्षा बलों की जांच को प्रभावित करने के लिए इस रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी आतंकी संगठन इस तरह की अपनी रणनीति अपना चुके हैं। तो मुद्दा में आज इसी विषय को लेकर हम करेंगे चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देती हूं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ JS सोडी जी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ पूर्व ACP दिल्ली वेद भूषण जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जय सोडी जी, सर जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों की ओर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है, पिछले दिनों में ये बढ़ा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आपको इसके पीछे क्या कुछ कारण समझ आ रहे हैं? जय हिंद रिशु जी। जी सर, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। जी, आखिर ऐसा क्या है कि पंजाब में आतंकवाद 15 साल में खत्म हो गया और 35 साल से ज्यादा हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? इसके दो मुख्य कारण है। पहला कारण ये है कि जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि इन आतंकवादियों को समर्थन करें, जैसे एक इंसान के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण होती है और हम ऑक्सीजन के बगैर एक मिनट भी नहीं जीवित रह सकते हैं, वैसे ही आतंकवादियों को ऑपरेट करने के लिए स्थानीय समर्थन अगर ना हो तो वो एक दिन भी उस जगह में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है कि यह आतंकवाद वहां खत्म नहीं हो रहा है, वो इसलिए कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में हैं उनके आपस के बीच में एक ही बार धारा 370 2019 में हटने के बाद एक ही बार ये सारे मिले हैं इस मुद्दे पे, वो था 24 जून 2021 को। गलवान वैली क्लैश जून 2020 में हुआ, पिछले 4 साल में हमने चीन से 21 बारी बातें की हैं, लेकिन पिछले 5 साल में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ एक ही बार आपस में बैठ के बातचीत की है। जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, सैनिक शक्ति से ये कभी नहीं खत्म हो सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं सेना में सेवा में था और मैं पटन नामक जगह में पोस्टेड था जो कि बारामूला के पास, और काफी वहां आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जो सशस्त्र बल हैं वो दिन रात अपना काम करते हैं, ड्यूटी के आगे काम करते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे कोई भी सिक्योरिटी फोर्स हो, लेकिन किसी भी मुद्दे को राजनीतिक हल से ही रिजॉल्व किया जाता। और मैं एक मिनट और लूंगा रिशु जी, जी। रैंड कॉरपोरेशन जो कि दुनिया का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने 30 जून 2008 को एक अध्ययन सार्वजनिक किया था और जिसका शीर्षक था कि दुनिया में आतंकवाद
कैसे खत्म होता है। इस अध्ययन में जो आंकड़े सामने आए वो इस प्रकार थे कि 7% टाइम्स आतंकवाद खत्म होता है सैनिक कार्रवाई की वजह से, 43% खत्म होता है पॉलिटिकल डायलॉग की वजह से, 40% बार खत्म होता है पुलिस की वजह से, और 10% आतंकवाद तब खत्म हुआ है दुनिया में जब आतंकवादियों के मंसूबे पूरे हो चुके हैं। जहां तक शस्त्र का सवाल है, जहां तक पुलिस फोर्स का सवाल है, 35 साल से ज्यादा हो चुके हैं हमारे कई हजार सैनिक मारे जा चुके हैं और शस्त्र बल या पुलिस फोर्स की कोई कमी नहीं है। इस वक्त जो जरूरी है पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। और मैं एक सेकंड और लूंगा जी, जब मैं वापस से आपके पास आऊंगी क्योंकि कई और सवाल हैं जो हमें आपसे करने हैं, लेकिन वेदभूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी क्योंकि आपने कई बिंदुओं पर चर्चा की, वेदभूषण जी ने भी सुना ही होगा आपकी तमाम चीजों को लेकर, और आपने इसमें एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही कि स्थानियों का संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त होता है, इसी वजह से इस तरह के जो हमले हैं वो होते हैं। वेदभूषण जी, इस बात को लेकर तो मैं आपसे चर्चा करूंगी ही, लेकिन सर हमलों का पैटर्न तो फिदाइन जैसा लग रहा है, लेकिन लोकल सपोर्ट के बिना क्या ये संभव है? यदि अब भी स्थानीय सहयोग मिल रहा है तो ये उन दावों का मजाक है जिसमें कहा गया था कि वहां कम्युनिटी काफी बदल चुकी है। देखिए रेशो, केवल एक कारण नहीं, इसके पीछे कई कारण बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। क्योंकि अभी इलेक्शन का डिक्लेयर हो चुका है कि J&K के अंदर इलेक्शन होना है, बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन होगा, सरकार उसकी तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि गवर्नर के थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू जिस तरह दिल्ली के अंदर शासन होता है उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश की तरह J&K के अंदर शासन चले, उसी क्रम के अंदर तमाम तरह के नोटिफिकेशन हो रहे हैं। अभी जल्दी में तीसरी बार जो पिछली सरकार थी उसकी वापसी हुई है, लगातार तीसरी बार सरकार बनी हुई है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे वहां पर एक इंजीनियर है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए हैं, जो कि फिलहाल जेल के अंदर, और बड़े सीरियस एलिगेशन है उनके खिलाफ, NSA जैसे एलिगेशन उनके खिलाफ है, उनकी जो एक्टिविटीज है उस पर बात रखी जा रही है, उनके कनेक्शन निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी शांत बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो बदनाम होंगे, दूसरे को बदनाम और बर्बाद करके रहेंगे, वो उनकी स्थिति है। तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी सारी हलचल है कि हिंदुस्तान कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे बहुत आगे जा रहा है, तो वो तमाम जो चीजें हैं। उसके अलावा जैसे लोकल जो वहाँ पर जो रेजिडेंट है उनका भी मानसिक जो तरीका है वो ये है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। आज भी वो उनकी सरकार जरूर कामयाब हो पाई है 30% हटाने के लिए, परंतु वहाँ के जो लोकल है उनका अभी भी माइंड सेट वही है, प्रो पाक है बिल्कुल, इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। और यदि आप J&K जाए तो वो अभी भी हिंदुस्तान बोलते हैं, हम लोगों को हिंदुस्तान से आएंगे आप लोग। तो जब तक लोकल उसकी जो शरण स्थली बनी रहेगी, लोकल उनको प्रोटेक्शन हार्बरिंग रहेगी, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। लुका छिपी का खेल है और ये बड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि लगातार तीसरे तीन दिन के अंदर 3 बार आर्मी के ऊपर अटैक हुआ है। आज जो अटैक हुआ है अर्ली मॉर्निंग में किया गया है, इंटरनेशनली किया गया है, आर्मी के कैंप पर किया गया है, रजौरी के अंदर, वो लोग तैयार भी नहीं थे मॉर्निंग के टाइम में, थोड़ा आराम और इस तरह का रिसार्जिक माहौल होता है सभी जगह होता है, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। और क्योंकि लोकल जो थे वहां पर इंटेलिजेंस बता रही है कि वहां पहले प्रधान को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, लोकल लोगों को टारगेट करने की कोशिश की, जब वो उसमें हताश हो गए तो उन्होंने चौकी पर ही हमला बोल दिया। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये इनकी हताशा है। तो अभी पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है तो उनके और बहुत सारे ये कि अपना मैसेज किस तरह से पूरी दुनिया में पहुंचाए कि हिंदुस्तान में हम अपना जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे, उसी क्रम के अंदर दूसरा हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा यात्रा शुरू हो रही है, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। तो केवल एक मैसेज देना होता है कि पूरी दुनिया के अंदर कि अभी हमारा एग्जिस्टेंस है, टेररिस्ट का एग्जिस्टेंस है, J&K के अंदर हालात ठीक नहीं है, केवल वो इस मैसेज के तहत काम कर रहे हैं, उनके पास तमाम तरह के आधुनिक हथियार हैं, यहाँ तक कि पीछे जो हथियार मिले हैं उन पर अमेरिकन हथियार का भी जिक्र आया है कि अमेरिकन हथियार भी उनके पास पहुंचे हैं। इतना दूर कंट्री बैठा हुआ उनके पास में ये हथियार कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, तमाम इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, जानकारी का सब्जेक्ट है। आज नहीं तो कल किस तरह से पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, नेशनल टेररिस्ट बना जो ऑर्गेनाइजेशन से, ये ऐसे नाम बदलते रहते हैं।
डिसगाइज करने के लिए, धोखा देने के लिए, कभी लश्कर तौबा, कभी दूसरा ग्रेट आप नाम लेते कई नाम दिए, इस तरह के वो लोग नाम लेते रहे। तो ये जो तैयारियां हैं, ये जो इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की है, जो तमाम जो प्रक्रियाएं शांति के लिए भारत सरकार कर रही है, उसको किसी तरह से रोका जाए, वहां पर चीज बहाली ना हो जाए। बिल्कुल, चुनावों से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश इस दौरान की जा रही है, और ऐसे में सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ा अगर इनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है तो वो स्थानीयों की वजह से ही कहीं ना कहीं हो रहा है। दो विशेष अतिथि लगातार पैनल में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। जे सोढ़ी जी, क्योंकि सर इतनी बड़ी फौज तैनाती, आधुनिक सुविधाएं और इंटेलिजेंस के बावजूद आतंकी सीमा में घुसते हैं और सैन्य ठिकानों के आसपास पहुंच जाते हैं, सर इससे समझ आता है कि उनकी तैयारी कितनी पक्की और सधी हुई है। क्या इसका कोई तोड़ निकलेगा या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा कि नाखून बढ़े तो काट दो, फिर बढ़ेंगे फिर काट दो, सब इसी तरह चलेगा? ऋषु जी, जब 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद था, तभी वहां कई लोकल लोग समर्थन करते थे आतंकवादियों का, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट हुआ, लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, हमने तब भी पाकिस्तान से भी बात नहीं की। हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज पंजाब में थी, सारों ने मिलकर आपस में डायलॉग हुआ, लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, और वो वहां पे 1995 तक आतंकवाद खत्म हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, हम हजार कारण बता दें, वहां पे ये शांति कभी आई नहीं सकती है। देखिए, जब तक पाकिस्तान एक देश है, वो तो आतंकवाद को समर्थन करेगा, जो भी भारत में आतंकवादी गतिविधियां हैं। पाकिस्तान पहले भी था, जब पंजाब में आतंकवाद था, पाकिस्तान अब भी है, पाकिस्तान आगे भी रहेगा, पाकिस्तान कहीं जल्दी टूटने नहीं वाला चार देशों में। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है अगर हम 15 साल में पंजाब में आतंकवाद को खत्म कर सके, जबकि इतना आधुनिक कम्युनिकेशन, इतना आधुनिक सिस्टम सब नहीं थे। अब हमें 35 साल से ज्यादा क्यों हो रहा है? रिशु जी, मैं फिर एक बात कहूंगा, जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, इस इलाके में शांति नहीं आ सकती है। मैं एक और अहम पॉइंट यहाँ कहना चाहूंगा, हम लोग सिर्फ आतंकवाद के ऊपर फोकस हैं, ये आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में, ये बड़े गेम प्लान का एक छोटा हिस्सा है। बड़ा गेम प्लान है, 2035 में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करनी है। जब पाकिस्तान हम पे जम्मू कश्मीर के लिए करेगा, चीन उस वक्त अरुणाचल प्रदेश के लिए करेगा, और इसलिए वहां पे अशांति अस्थिरता फैलाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक मैसेज देने के लिए, जब भी ये दोनों से हम पे हमला करें, इससे जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम होगी आने वाले समय में, वो ये होगी रिजू जी, कि अभी हमने जैसे हाल में एक ब्रिगेड को इंडक्ट किया पुंछ इलाके में, जितनी हम सेना इस इलाके में लगा रहे हैं, उतनी हमारी कन्वेंशनल वॉर की तैयारी हमारी सफर कर रही है। ये बहुत जरूरी है समझना, ये आतंकवाद एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है, इसे सिर्फ आतंकवाद नहीं देखना चाहिए। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, समय आज है कि भारतीय सेना को हर जगह से सीआई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन से निकालना चाहिए, क्योंकि अब हमें 11 साल बचे टू फ्रंट वॉर के लिए, और हमें ये सारी सीआई ऑफ पुलिस फोर्सेस को, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को देनी चाहिए, उन्हें ट्रेन करना चाहिए, अन्यथा जब हम पे 2035 का टू फ्रंट वॉर होगा, हमारे लिए ऐसी दिक्कतें पैदा होंगी जो इस आतंकवाद से भी गंभीर और गहरी होंगी। ठीक है वेद भूषण जी, अभी जिस बात को लेकर यहाँ पर कह रहे थे जय सोढ़ी जी कि एक बड़े गेम प्लान की तैयारी है, और ये बड़ा गेम प्लान जो है वो पाकिस्तान और चीन की तरफ से भविष्य के लिए किया जा रहा है, लेकिन सर आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ये सब स्पॉन्सर कैसे करता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति तो अगर बात करें तो देखिए बेहद खराब चल रही है इस वक्त। देखिए, पाकिस्तान को अपने आप में पाकिस्तान का कोई स्टैंड नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज रहते हैं जो एंटी इंडिया एटीट्यूड रखते हैं, चाहे हमारा रशिया प्रो रशियन एटीट्यूड हो या हमारा दूसरे कंट्रीज के साथ में कहीं मुखालफत वाला स्टैंड सरकारों का रहा हो, परंतु ये जरूर है, जो अभी थोड़ी सा बात कर रहे थे, पंजाब का जो टेररिस्ट जो दौर था और जो जेएनके का दौर है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसमें उनकी जो डिमांड थी वो दूसरी तरह से डिमांड थी, और ये प्रो पाक डिमांड है, वो उनकी जो खालिस्तान की डिमांड थी वो प्रो पाक नहीं थी, वो उनको सपोर्ट जरूर था परंतु इतना खुला सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान बार बार हमारी सरकार मांग करती रही है कि पीओके को हम लेकर रहेंगे, उस पर हमारा हक है, तो उस चीज को लेकर पाक बौखला जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई अटैक फोर्स कर दे। उसी क्रम के अंदर जो दूसरे कंट्रीज उसको सपोर्ट करते हैं, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि जो
हथियार है जो आर्म्स एंड एमुनिशन है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से है, पुराने टाइप के हथियार नहीं है, और तमाम जो रैकी करते हैं और ये हथियार बड़े एक्सपेंसिव हथियार हैं, ये छोटा खेल नहीं है, कोई लाख दो लाख रुपए का खेलो, करोड़ों रुपए के हथियार उनको सप्लाई होते हैं, और ये फिदायीन है अपनी जान पर खेल कर आते हैं, इनको पता है कि यदि आर्मी से आमना सामना हो गया तो गोली से मौत ही होनी है, तो ये जो तमाम तैयारियों के साथ है, और इसमें बहुत सारा इंटरनेशनल मैटर्स भी आपस में इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, क्योंकि हालात पूरी दुनिया के बदल रहे, तेजी से बदल रहे हैं, कंट्रीज का समीकरण बदल रहा है, रशिया चाइना इंडिया सब एक तरफ आ गए, दूसरी तरफ दूसरे कंट्रीज चलेंगे, तो जो इक्वेशन चेंज हो रही है और पाकिस्तान का जो इक्वेशन है दूसरे कंट्रीज के साथ चला गया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इसका कारण है कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की स्थिति बनी रहे कि हिंदुस्तान आगे ना निकल जाए इसके अंदर, और जो रशिया के साथ हमारा चल रहा है अभी मोदी जी रशिया होकर आए इटली होकर आए, तो जो हमारा नए इक्वेशन इंडिया के बन रहे हैं जो प्रोग्रेसिव जो हमारा तरीका है उसके लेकर पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी खलबली है, और दूसरे कंट्रीज जो प्रो पाक है उनके अंदर भी बड़ी परेशानी है कि इंडिया क्यों इस तरह की तरक्की वाली चीजें कर रहा है, क्यों इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसी क्रम के अंदर इसको देखा जाए, क्योंकि ये जो अटैक हो रहे हैं ये सामान्य अटैक नहीं है, ये बिल्कुल एक फिदायीन अटैक है, और तमाम जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान का इसमें रोल है, क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि इस तरह के प्रोक्योरमेंट करना, हथियारों को प्रोक्योर करना, वो तमाम तरह की रेकी करना और अपनी जान पर खेल कर अपने आप को खत्म कर देना, मार देना, तो इसमें जो भी इसमें जब डेड बॉडीज मिलती है टेररिस्ट की उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है, तो पता लगता है कि वो पाक थे, इंडियन थे ही नहीं, तो जो हाँ इतना जरूर है कि जो हमारे लोकल जो स्थानीय लोग जो उनकी मदद करते हैं उनके बिना इस तरह के ऑपरेशन को सरंजाम देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो जरूर इस बारे के अंदर सरकार जरूर इस बारे में कदम उठा रही है, हमारा नया कानून है उसमें बहुत सख्त प्रोविजन किया गया है कि यदि कोई भी हार्बरिंग करता है, किसी को शरण देता है, उसके लिए सख्त सजा का प्रोविजन किया गया है, आज नहीं तो कल उसका असर जरूर आएगा, आपने देखा होगा जेएसके में पीछे जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी और जो आम एक अटैक होते थे वो खत्म हो गए, हालांकि उसका रूप चेंज हो गया, आप बड़े रूप में वो लोग अटैक कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से उसको सपोर्ट है, तमाम आर्म्स एमुनिशन रैकी तमाम चीजें उनको अवेलेबल कराई जाती हैं, मौजूदा कराई जाती हैं, परंतु जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की स्थिति आर्मी और पुलिस के साथ में वो लगभग समाप्त हो चुकी है। ओवर टू यू। जी देखिए, महंगे हथियार जो हैं वो सप्लाई हो रहे हैं और आतंकियों के पास से जिन आतंकियों को मार गिराया जाता है सेना के जवानों को वो हथियार मिल भी रहे हैं, जिसके बाद पता चल रहा है कि कौन कौन से देश इनकी मदद कर रहे हैं। जी सोडी जी, क्योंकि देखिए अभी गुरुवार को केरन सेक्टर में मुठभेड़ हुई थी, उसमें आतंकियों के पास से सेना के जवानों द्वारा ऑस्ट्रिया में बनी स्ट्रेयर एयूजी असॉल्ट राइफल भी सेना के जवानों को मिली है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से लगातार ये हथियार मिल रहे हैं अन्य देशों के? ऋषु जी देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक हालत जितनी भी खराब हो जाए लेकिन ये भारत में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरह समर्थन करता रहेगा, क्योंकि किसके पास इस चीज के लिए बेशुमार पैसा है, और ये जो बेशुमार पैसा इस आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के पास आ रहा है वो चीन से आ रहा है, क्योंकि चीन एक बड़ा प्लेयर है जो कि सामने नहीं आ रहा है, पर्दे के पीछे से ये सारी कार्रवाई कर रहा है। मैं आपके दशकों से अनुरोध करूंगा जब भी उन्हें समय मिले किताब जरूर पढ़े, ग्रेट गेम की, जो कि बर्ट लिंटनर ने लिखी है, और उसने बहुत अच्छा बताया है कि कैसे चीन भारत में आतंकवादियों समर्थनों को समर्थन देता है पर्दे के पीछे छुप के, क्योंकि चीन के जो मंसूबे हैं ऋषु जी वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत लंबे मंसूबे हैं, वो मंसूबे सिर्फ आतंकवाद फैलाने के नहीं है, वो मंसूबे बहुत आगे हैं और कई सालों तक जाते हैं। देखिए अगर हम देखें इस साल के शुरुआत से साउथ चाइना सी में चीन का आक्रमण और पाकिस्तान का आतंकवाद को ज्यादा समर्थन देना जम्मू कश्मीर में, दोनों इस साल के शुरू से बढ़ चुके हैं और दोनों के बीच में समर्थन है। समर्थन इसलिए क्योंकि ये दोनों देशों के बड़े प्लान है, और प्लान ये कि अगले 11 साल में तीन जंग होनी इस इलाके में, 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा, 2029 में चीन स्पाटे आइलैंड पे हमला करेगा, और 2035 में चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे हमला करेंगे। तो मैं फिर कहूंगा कि ये जो पूरा आतंकवाद हो रहा है जहाँ पे आधुनिक हथियार आधुनिक कम्युनिकेशन सेट मिल रहे हैं आतंकवादियों से जो कि भारतीय सेना के पास भी नहीं है, ये एक बड़े गेम प्लान का एक हिस्सा है, और जब तक हम इस
बड़े गेम प्लान को आइडेंटिफाई करके इसको पब्लिक नहीं करते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चलता रहेगा। और मैं फिर एक बार आखिरी बार कहूंगा, जम्मू कश्मीर अगर आतंकवाद खत्म होना है, हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इस पे मसला करना होगा। क्योंकि अगर कुछ स्थानीय लोग समर्थन कर रहे हैं, पंजाब में भी कुछ स्थानीय लोग समर्थन कर रहे थे जब आतंकवाद था, जब तक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं होगा इस जगह में शांति नहीं आ सकती है। लेकिन सभी पार्टियों को एकजुट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बातें बाकी लोग समझ सकते हैं लेकिन शायद पार्टी के लोग बड़ी मुश्किल से समझेंगे। जी असोड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।